नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, UPSI अभ्यर्थी के लिए बहुत बड़ी खबर आ गई है। जी हाँ दोस्तों, जिन सभी कैंडिडेट ने UPSI का ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, उन सभी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे बहुत बड़ी खबर आई है। UPSI का जो नोटिफिकेशन है दोस्तों, UPSI का नोटिफिकेशन आपको इसी महीने यानी कि जनवरी 2021 को जारी किया जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको पूरा डिटेल्स में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कब आपका नोटिफिकेशन आएगा, उसके साथ साथ एग्ज़ाम कब होगा, आपका एज लिमिट क्या रहेगा, सब कुछ हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए कि मैं जैसे ही नया वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन पर हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पर कोई भी अपडेट आता है, सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, हम आपको पूरा डिटेल्स से बताएंगे UPSI का नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, एग्ज़ाम डेट क्या रहेगा, साथ ही साथ दोस्तों आपको यहाँ पे फॉर्म फिलअप करने के लिए कितना फीस देना पड़ेगा, एज लिमिट क्या रहेगा, सब कुछ हम आपको डिटेल्स में बताएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पे UPSI का जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी रहेगा दोस्तों, यहाँ पे SI इन सिविल पुलिस प्लेटून और फायरमैन ऑफिसर पोस्ट के लिए टोटल 9534 पोस्ट के लिए यहाँ पे वैकेंसी जारी किया जाएगा। और आपका नोटिफिकेशन जो है दोस्तों, आपका इसी महीना किसी भी दिन जारी हो सकता है। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे एज लिमिट की, आपका एज यहाँ पे दोस्तों 21 से लेकर 28 साल रखा गया है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें जनरल के लिए 21 से लेकर 28 साल, OBC के लिए 21 से लेकर 30 साल, और यहाँ पे दोस्तों SC ST के लिए 21 से लेकर 33 साल रखा गया है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए, यहाँ पे जो आपका सैलरी हो जाएगा 9300 से लेकर 34800 रुपये पर मंथ के हिसाब से, यहाँ पे आपका ग्रेड पे हो जाएगा दोस्तों आपका 4200 रुपये पर मंथ के हिसाब से। यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे जो वैकेंसी या एज लिमिट रखा गया, आपका एज जो है काउंट किया जाएगा आपका 1 जुलाई 2021 से आपका काउंट किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका एज लिमिट जो है 1 जुलाई 2021 से काउंट किया जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे कैंडिडेट के मन में डाउट है, किसी कैंडिडेट का कहना है कि जो एज लिमिट है वो आपका 2018 से काउंट किया जाएगा, किसी का कहना है 2019 से, किसी का कहना है 2020 से। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो एज लिमिट काउंट किया जाएगा आपका 2021 से, जुलाई 1 जुलाई से आपका एज लिमिट काउंट किया जाएगा। आप अगर आपका एज 21 से लेकर 28 के अंदर है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, आपका एज लिमिट 1 जुलाई 2021 से काउंट किया जाएगा। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन डिग्री ली है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे दोस्तों APR हो, लास्ट ईयर में हो, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हो। अगर आपके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे फिजिकल मेजरमेंट की, यहाँ पे मेल कैंडिडेट के लिए 4.8 किलोमीटर 28 मिनट पे, वही दोस्तों अगर हम बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट पे आपको दौड़ना होगा। यहाँ पे हाइट की दोस्तों अगर हम बात करें मेल कैंडिडेट के लिए 168 सेंटीमीटर, ST कैटेगरी के लिए 160 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर, ST कैटेगरी के लिए 147 सेंटीमीटर आपका रखा गया है। चेस्ट यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें 79 सेंटीमीटर, और यहाँ पे दोस्तों एक्सपेंड करके यहाँ पे 84 सेंटीमीटर रखा गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा, 3 स्टेप में आपका रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगा। फर्स्ट स्टेप आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। यहाँ पे दोस्तों एग्जाम में जो भी आपका मार्क्स आएगा उसके हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट यहाँ पे बनेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें एप्लीकेशन फी की, दोस्तों एप्लीकेशन फी यहाँ पे 400 रुपये रखा गया है, जो आपका आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या तो फिर नेट बैंकिंग, या तो फिर ई चालान के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों कैसे आपको अप्लाई करना है पूरा डिटेल्स में जानकारी दी गई है, आप यहाँ पे जाकर चेक कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, आपको मैं फिर से बता देता हूँ, आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको इसी माह किसी भी डेट जो है आपको ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिल जाएगा। और आपका एग्ज़ाम जो है दोस्तों, एग्ज़ाम आपका अप्रैल में होगा, यहाँ पे दोस्तों कंफर्म हो गया सब कुछ। जी दोस्तों, यहाँ पे यूपी की तरफ से, यूपी के अधिकारी तरफ से यहाँ पे बताया गया है कि आपका UPSI का जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जनवरी 2021 में जारी किया जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे आपका एग्ज़ाम जो, एग्ज़ाम आपका अप्रैल माह में शुरू होगा। तो यहाँ पे जो भी अपडेट था मेरे पास, मैं आपको बता दिया हूँ। वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, ऐसे ही पल पल के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।